प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ हुई हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा। 29,530 परीक्षार्थियों ने हल किया संस्कृत विषय का पर्चा। पहले दिन कोई नकल प्रकरण की जानकारी नहीं। धनसुआ के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। लंबित मांग पूरी ना होने से गोवारी समाज नाराज। मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर घेराव करने की दी चेतावनी। लालबर्रा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में हुई 2000 मरीजों की जांच। और भाजपा कार्यालय में हुआ होली मिलन समारोह का आयोजन। खेली गई चंदन और फूलों की होली, ऑर्केस्ट्रा की धुन पर थिरके पदाधिकारी। और अब समाचार विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत सोमवार को जिले के निर्धारित 135 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल परीक्षा के तहत परीक्षार्थियों ने संस्कृत विषय का पर्चा हल किया। इस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल परीक्षार्थियों की दर्ज संख्या 30,637 थी, जिनमें से 29,530 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 1,107 परीक्षार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए। वहीं एक भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। भरवेली क्षेत्र में ग्राम धनसुआ के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक छिंदवाड़ा निवासी विजय ध्रुवे बताया गया है। वहीं घायल रवि विश्वकर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा निवासी विजय ध्रुवे अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने बालाघाट आया था। यहां से वह अपने साथी रवि विश्वकर्मा के साथ मोटरसाइकिल से परसवाड़ा जाने निकला, तभी धनसुआ के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। यहां इलाज के दौरान विजय ध्रुवे की मौत हो गई। श्री श्री रविशंकर के आगमन को लेकर नगर के भटेरा रोड स्थित शीतल पैलेस होटल में आर्ट ऑफ लिविंग के पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बेंगलोर से पधारे स्वामी जी ने जानकारी देते हुए बताया कि वे श्री श्री रविशंकर जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने बालाघाट पहुंचे हैं। गुरुदेव का 7 मार्च को आगमन होने जा रहा है, जो एक ही मंच का साझा कर आम जनमानस को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना है। खेती हरित क्रांति के पूर्व भी होती थी, लेकिन कृषि को लेकर किसानों में बदलाव आया है। कार्यक्रम में कृषि संगोष्ठी के अलावा आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जैविक कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सवाल का जवाब देते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि जैविक खेती के लिए बालाघाट जिला अनुकूल है। प्रदेश सरकार को महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और सरकार ही तय करेगी कि किस जिले में महाविद्यालय खोला जाना है। तो वो जनसंपर्क बनाने के लिए, लोगों को उनका संदेश देने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं, गली मोहल्लों में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में कितने बड़े विश्वविख्यात गुरु जी आ रहे हैं, तो अब उनका आशीर्वाद, आशीर्वचन, उनका जो वो एक सोच रखते हैं है ना, और अध्यात्म के प्रति जो उनका लोगों के लिए संदेश है, वो सारा वो वहाँ पर मंच से साझा करेंगे। और जैसे कार्यक्रम तो एक मुख्य रूप से जो है वो जैविक कृषि पे ही है कि कृषि जो हम परंपरागत जो अभी आजकल कृषि कर रहे हैं, केमिकल बेस्ड फार्मिंग जिसे बोलते हैं, तो उसके जो क्या हमारे नुकसान है, इसके हमको दूरगामी क्या परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, वो सारा हम सभी को पता ही है। तो लोगों के प्रति एक उनकी सोच, जो हमारी पहले हमारी जो कृषि होती थी है ना, इससे पहले भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन एक आया था हमारा हरित क्रांति, उससे पहले भी कृषि होती थी, तो उसके प्रति दोबारा से लोगों को रुझान पैदा करना कि कैसे हम सिर्फ एक गाय पाल के भी अपनी पूरी कृषि को सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले ऐसा ही था है ना। ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद में आई, लेकिन उससे पहले भी कृषि होती थी। कृषि तो तब से जब से आदमी है, तो वो
ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे बोलते हैं, जीरो बजट फार्मिंग, कम लागत में हम कैसे ज़्यादा अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं, लागत फसल का फसल से हम ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, उसके उसके लिए तो सारा एक कार्यशाला जो भी संगोष्ठी आयोजित की गई है तो सरकार का कार्यक्रम है। लेकिन उसके बाद भी एक अपना जो स्थानीय आर्ट ऑफ लिविंग का जो यहाँ का एक परिवार है बालाघाट का, तो उन्होंने भी एक अलग से कार्यक्रम रखा है। मेन बात क्या है कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है। सरकार की नीतियों के हिसाब से जैविक खेती को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, कम खर्चे में वो कैसे फायदे का लाभ का व्यवसाय बने और लोगों को ये जागरूकता आए कि जैविक खेती से हमारे शरीर को क्या फायदे, रासायनिक खेती से जो कैंसर की प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही है उसको कैसे कम किया जाए, बीमारियों को कैसे रोका जाए। तो ये एक सरकारी प्रोग्राम है, राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, सरकारी प्रोग्राम है और एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। और इसमें आर्ट ऑफ लिविंग के अलावा सभी बालाघाट के बहुत से धार्मिक सामाजिक संगठन भी जुड़कर हमारे साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, सफलता इस कार्यक्रम की ये है कि गुरुदेव की उपस्थिति मात्र से लोगों के जीवन में परिवर्तन होते देखा। तो ऐसे सद्गुरु जब हमारे नगर में आ रहे हैं तो हम सब लोगों को बहुत ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। और हम सभी, चूँकि ये सरकार का कार्यक्रम, तो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के लोगों ने सभी राजनीतिक दल के लोगों को भी आमंत्रित किया गुरुदेव से मिलने, आप उनको सुनने, उनके दर्शन करने आए। तो हम तो इसलिए यहाँ सभी को आमंत्रित करते हैं कि इसमें व्यापारी वर्ग भी आए, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कौन सा उत्पाद बाजार में मिलना चाहिए, महिला मातृशक्ति भी आए, सामान्य लोग भी आए। ये सिर्फ कृषकों का आयोजन नहीं है, हम सबका आयोजन है। और इतने बड़े सद्गुरु, हम सभी लोगों का सौभाग्य कि इतनी छोटी जगह पर उन्होंने आने की अपनी सहमति दी और वो आ रहे हैं। बालाघाट बैहर मार्ग पर उद्घाटी में मोटरसाइकिल बेकाबू होने से उसमें सवार दो लोग सड़क किनारे खाई में गिरकर घायल हो गए। दोनों घायलों जागपुर निवासी बाबूलाल बिसेन और रिंगीपुर निवासी जयप्रकाश पटले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये दोनों सोमवार को बालाघाट की ओर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने 7 मार्च को मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना बनाई है। उक्त जानकारी आदिवासी गोवारी समाज संगठन के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने सोमवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि समाज के लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनका यह आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते आदिवासी गोवारी समाज संगठन द्वारा 7 मार्च को मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। साथ ही उनका घेराव कर समाज के लोगों से किया गया वादा याद दिलाया जाएगा। लगभग 15 साल के कार्यकाल के अंतराल इनसे 11 बार इनसे मुलाकात हो चुकी है और 11 बार में खाली गोवारी समाज को आश्वासन ही मिला है, जबकि अनाधिकाल से गोवारी समाज अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है। फिर भी मध्य प्रदेश में गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने विधानसभा के अंदर स्पष्ट कर दिया है, बालाघाट सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में मान्य है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में मान्य है, लेकिन आज दिनांक तक गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया गया? ऐसी क्या दिक्कत आ रही है सरकार को जो गोवारी समाज को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है? ये गोवारी समाज का बहुत बड़ा अधिकार है, संविधान में है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 में है, सरकारी राजपत्र में है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सरकारी राजपत्र है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से 1931, उस समय से गोवारी समाज अनुसूचित जनजाति में है। फिर भी आज तक गोवारी समाज का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। हमको अभी ओबीसी पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने के लिए हमने कई बार सरकार को, हमने आंदोलन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से, रैली निकाल के जिला कलेक्टर को, मुख्यमंत्री के नाम से हमने ज्ञापन भी दिया,
पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने के लिए, लेकिन पिछड़ा वर्ग से विलोपित आज दिनांक तक नहीं किया गया है। पिछड़ा वर्ग से विलोपित गोवारी समाज का नाम होगा तो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन अभी ये पिछड़ा वर्ग से विलोपित ही नहीं कर रहे। हमने अभी 23 जनवरी को, फिलहाल 23 जनवरी पिछले महीने में बड़ा एक आंदोलन करे, एक रैली निकाले, एक महीने का अल्टीमेटम भी दिए थे कि पिछड़ा वर्ग से विलोपित किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक विलोपित नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है। तो मुख्यमंत्री लामता के टाकाबर्रा में पिछले सप्ताह रामसह दमाहे के घर में 95,000 रुपए की चोरी करने वाले उसी के किराएदार निकले। लामता पुलिस ने 95,000 रुपए की चोरी करके फरार एक आरोपी दिलदार अली को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 90,000 रुपए जब्त करने में सफलता हासिल की गई, जबकि दिलदार का साथी मोहम्मद शकील अली अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर 5 मार्च से कक्षा 10वीं की परीक्षा वारासिवनी नगर के 5 केंद्रों में आयोजित की गई। सोमवार को संस्कृत का पर्चा हुआ। नगर के सभी परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, कहीं से कोई नकल प्रकरण की खबर नहीं आई है। वारासिवनी में अशासकीय शिक्षण संघ द्वारा 5 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विधायक योगेंद्र निर्मल को सौंपा गया। इस 18 सूत्रीय ज्ञापन में अशासकीय शाला की समस्याओं का वर्णन किया गया है और तत्काल समाधान की मांग की गई है। और प्रदेश स्तर पे भी हमारे बड़े आंदोलन, जिसमें धरना प्रदर्शन वगैरह 27 तारीख को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमने ये सोच लिया है, प्रदेश के सब समस्त जिलों के अध्यक्ष ने, सचिव ने, कि हम अपने अपने जिले के विधायक से अब संपर्क साधेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमको हमारा अधिकार दिलवाए। संचालक है लालजी भी आइए, लालवरा भी है और वारासिवनी भी। वहीं विधायक डॉक्टर निर्मल ने उक्त मांगों पर विधानसभा में चर्चा कर प्रश्न लगाने की बात कही है। पर एक बात समझ में आ रही है हमको कि 2 वर्ष का जो पैसा है, चूंकि आप लोग क्यों शासन का ध्यान आकर्षित नहीं करा है हमारी समझ में नहीं आया, और ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 25% बच्चों की अगर फीस नहीं मिलेगी तो आप अपने स्टाफ को कैसे तनख्वाह बांटेंगे, वो एक प्रश्न खड़ा हुआ है। और जो अब आपका नया नियम आएगा 18-19 के लिए, उसके लिए हम तैयार बैठे, उस नियम के तहत हम सारे काम को करेंगे। तो बहुत ही आपका विषय जो है बड़ा गंभीर है, संजीदा होकर के इस पे हम चर्चा करेंगे अभी हमने, और इसका हल निकालने का प्रयास हम करेंगे। वारासिवनी के वार्ड नंबर 8 स्थित एक बर्तन दुकान में एक चोर ने लैपटॉप और नगद राशि की चोरी कर ली। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया गया है कि इस दुकान के मालिक विकास पंडोरिया 3 मार्च को रात 10 बजे शटर गिराकर होली मिलन समारोह में गए थे। दुकान के अंदर ही उनका घर भी है। श्री पंडोरिया के जाने के बाद नशे की हालत में एक युवक दुकान पहुंचा और शटर उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उसमें विकास पंडोरिया की रिपोर्ट पे जो है अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है, और जो सस्पेक्टेड के फोटोग्राफ मिले हैं हमको उनकी वीडियो फुटेज से, तो वो जितने भी हमारे पास सस्पेक्टेड हैं अभी तक उनसे तस्दीक की जा रही है, और बाकी क्षेत्र के लोगों को दिखाए जा रहे हैं कि कोई उन सस्पेक्ट को पहचानता है कि नहीं पहचानता है, तो अभी तक किसी ने भी पहचानना नहीं बताया। इसमें मैं ये कहूँगा कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन पब्लिक को भी अपना काम करना चाहिए। यदि कोई सस्पेक्ट व्यक्ति घूमते हुए दिखता है तो उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पुलिस को फ़ोन करके जो है बताएं कि कोई सस्पेक्टेड आदमी जो है उनके मोहल्ले में, घर के आसपास या बाजार में घूम रहा है। शटर अंदर से लगा हुआ था। अकेला था या कोई साथ में रहेंगे? अब ये तो फिलहाल अकेले ही दिख रहा था। क्या लेके गया वो? यहाँ से मेरा लैपटॉप लेके गया है, मेरा व्यापारिक लैपटॉप लेके गया है, उसमें मेरे सारे डाटे होंगे दुकान के। और उसके अलावा? उसके अलावा मेरे को यहाँ पे एक चिल्लर रखी रहती है मेरे, तो चिल्लर की पन्नी थैली भी नहीं दिख रही। लालबरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पनबेहरी में होली के अवकाश के बीच चोरों ने पंचायत में रखी एलईडी कंप्यूटर सिस्टम सहित लगभग 1,00,000 रुपए की सामग्री पर हाथ साफ कर दिया है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये होली की छुट्टियों के बाद हम लोग ऑफिस खोले दो दिन बाद, तो आज सबसे पहले हम लोग जैसे ही 12:15 बजे अपने फील्ड के काम, निर्माण काम या जियो टेकिंग करके आए ग्राम रोजगार सहायक के साथ। उसके उसी समय अवधि में पंच मनीष ब्रह्मे, चौकीदार अभ्रत वो भी थे साथ में ही, हम लोगों के सामने ही वो खोला गया पंचायत भवन का ताला। और जैसे ही ताला खोले सबसे पहले एलईडी पे नज़र पड़ी तो वो नजारत थी। उसके बाद हम अपना ऑफिस का ताला, सचिव कक्ष का कमरा खोले, वहाँ पर जाकर देखे तो वहाँ से कंप्यूटर सिस्टम पूरा गया। क्या लग रहा है कब की घटना है, चोरी किस प्रकार से हुई? चोरी तो अभी होली के समय ही हुई है, दो तीन दिन का कथित तथ्यों को जो है दो तीन दिन का समय मिल गया, उसी के बीच में हुआ था। तो ये कहना चाहिए कि इसी बीच में हुआ है, और आशंका ऐसी लग रही है कि जब सब जगह ताला था और हम लोगों ने अंदर भी देखे तो उस हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि ये डुप्लीकेट चाबी से ही कहीं चोरी की गई। महावीर इंटरनेशनल और गुलमोहर फाउंडेशन द्वारा 5 मार्च को लाल बर्रा के साई लॉन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बाफना सहित इस संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में नागपुर और बालाघाट के ख्याति प्राप्त चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान 2000 रोगियों की जांच की गई, इनमें 286 रोगी हृदय रोग के पाए गए। वहीं 600 नेत्र रोगियों की जांच कर 55 रोगियों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। शिविर में 900 रोगियों को ईसीजी कराया गया। यहां नागपुर से पधारे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीज खान ने भी बेहतर सेवाएं दी। सेक्रेटरी लाल बर्रा महावीर इंटरनेशनल केंद्र लाल बर्रा, वे भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं कार्यक्रम के प्रार्थना होगी तो मेरी सबसे निवेदन है कि सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि प्रार्थना की जा सके। प्रार्थना के लिए यहाँ नाते सिर्फ कैंप होता है, कैंप के बाद में मरीजों को जो लिस्ट बनती है, जो बीमारियाँ हैं उनको इलाज कराना होता है उसके लिए मदद पहुँचाई जाती है और उसमें हम लोग पूरी मदद करते हैं। अभी तक लगभग कितने मरीज? अभी मैंने आज करीबन 100 मरीज देखे हैं यहाँ पे,
और ऐसा होता है कैंप में एक बड़ा फ़ायदा होता है कि बहुत सारे पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जानलेवा बीमारियां होती है इसका पता नहीं होता है। कैंप में हमने कितने मरीज देखे, ब्लड शुगर 250, 300, 400, ब्लड प्रेशर 180, 100, उनको बेचारों को पता ही नहीं था, डॉक्टर पास जाते भी नहीं थे। इस कैंप के द्वारा हम उनकी जाँच कर सकते हैं, बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, उनको काउंसिलिंग कर सकते हैं उनके आगे क्या करना क्या नहीं, ताकि उनकी ज़िंदगी में रोका मिले। जी चलते रहे, पिछले 20 साल से चल रहा है, हमने 2002 से चालू कर रखा है। क्या कार्यक्रम आयोजित किया था आज बालाघाट लालबुर्रा ब्लॉक अंतर्गत विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसको गुलमोहर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। साथ ही साथ इसमें महावीर इंटरनेशनल लालबुर्रा केंद्र का भी सहयोग रहा, पांडरवानी सरपंच अनीस भाई का भी सहयोग रहा, और साथ ही साथ पूरे गुलमोहर फाउंडेशन के यूथ द्वारा ये आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 2000 से 2500 मरीजों का निःशुल्क चिकित्सा की गई, लगभग 8 से 10 लाख रुपये की दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही साथ जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है और जिन लोगों को मोतियाबिंद की समस्या है, मोतियाबिंद के लिए हमारे द्वारा यहाँ से बसें प्रायोजित की गई हैं, जो बसों से जबलपुर डायरेक्ट हम भेज रहे हैं और उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन जबलपुर में करवाया निःशुल्क जी। उनको सिर्फ आधार कार्ड एक नीडफुल था, आधार कार्ड उनका जमा होना था उसके साथ ही, और जिस हिसाब से सेवा समर्पण और सम्मान के रूप में हमारा ये आयोजन आज सफलतम आयोजनों में से एक आयोजन रहा। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर आज का चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। नागपुर से डॉक्टर्स आए थे, जबलपुर से डॉक्टर्स आए थे, रायपुर से डॉक्टर्स आए थे, और सभी अपने अपने विधा में पारंगत डॉक्टर्स पहुँचे थे, और बहुत ECG, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, शुगर टेस्ट वगैरह, बोन डेंसिटी टेस्ट वगैरह, ये सब हमारे द्वारा। इस शिविर के संपन्न होने के बाद बालाघाट पहुंचे महावीर इंटरनेशनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बाफना ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी संख्या जीवित सभी प्राणियों की सेवा करती है। हर वर्ष 30 लाख मरीजों की जांच की जाती है, वहीं 15,000 बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। श्री बाफना ने बताया कि उनकी संस्था स्कूलों में जाकर बच्चों की आंखों की जांच भी करती है। इस पत्रकार वार्ता में महावीर इंटरनेशनल के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कई जानवरों के भी मेडिकल कैंप किए जाते हैं, इसके अलावा जो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होते हैं। महावीर इंटरनेशनल की 450 शाखाएँ हैं पूरे इंडिया में, और 4 शाखाएँ बाहर हैं, इंडिया से बाहर भी। इसके साथ ही हमारे जो करीब 15,000 मेंबर हैं जो ये सेवा देते हैं, इसमें हमारे मेडिकल के कम से कम 8 से 9 हज़ार मेडिकल कैंप साल के होते हैं, और उसमें करीब 30 लाख मरीजों का चेकअप किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है जो पॉसिबल होता है। इसके साथ ही हम करीब 15,000 बच्चों को पढ़ाते हैं, जो 15,000 बच्चे पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 15,000 बच्चों को हम पढ़वाते हैं, जो शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके अभी वो सेटल हो रहे हैं। इसके साथ ही हम वुमेन एम्पावरमेंट के काम कर रहे हैं, उनको क्लासेस दी जाती है, उनके से सिखाई सिलाई सिखाई जाती है, कुकिंग सिखाई जाती है, और उनको एम्प्लॉयबिलिटी दिलाई जाती है महिलाओं को। और बच्चों के लिए हम बेबी किट का एक हमारा प्रोग्राम है, बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन, जो 8 पीस का किट होता है, जो होते ही बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोगों के, इनको गंदे कपड़े में लपेटा जाता है, उसको इसी वजह से इन्फेक्शन होता है। आज 1600 बच्चे करीब रोज के भारत में जिनकी डेथ होती है इन्फेक्शन की वजह से, और भारत का नंबर बहुत पिछड़ा है इस काम में भी। अभी जो 10,000 के पीछे जो परसेंटेज वाइज देखें तो इंडिया का परसेंटेज बहुत ख़राब है, 25% बच्चों की प्रॉब्लम है, तो जो गांवों के रूरल एरिया है उसकी वजह से हम बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। करीब 3 लाख बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन नहीं हो, जितना हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं। इसके अलावा हमें बेबी चाइल्ड केयर में बेबी फीड स्टेशन, जो इन्फेंट बच्चों को दूध पिलाने के लिए माओं को जो प्रॉब्लम होती है, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स और पब्लिक प्लेसेस पर, वो हमने भी नया प्रोजेक्ट लिया है, और उसके अभी हम ऑलरेडी करीब 60 के करीब लगा चुके हैं, और अभी हमारा टारगेट है 200 लगाने का है कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में। जो बालाघाट भाजपा कार्यालय में सोमवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ होली का जमकर जश्न मनाते हुए चंदन और फूलों की होली खेली गई। ऑर्केस्ट्रा की धुन पर भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खूब धमाल मचाया।
वहीं एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाते हुए होली की बधाइयां दी। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि भाजपा अब तक 19 राज्यों में काबिज थी और 3 राज्य और जुड़ गए हैं। जनता ने भाजपा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा में फूट डालने के जो प्रयास किए गए वो विफल साबित हुए हैं। भाजपा ने विकास के मुद्दे को लेकर यह सफलता हासिल की है कि भारत में 19 स्टेट्स हमारे पास थे और अब 3 और जुड़ गए उसमें राजग के साथ में। अब 22 स्टेट्स आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंतर्गत है। हमें 22 स्टेट्स में सेवा करने का एक जनता ने एक बड़ा भारी अवसर दिया है। 7 सिस्टर्स जिसको बोला जाता था, ऐसे उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां शायद भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा हो कि हम वहां पर प्रवेश करेंगे, लेकिन आज चाहे वो आसाम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड हो और मणिपुर, ऐसे 6 स्टेट्स में तो आज हम काबिज हो गए हैं। लेकिन जनता जनता है, जनता को मालूम है कि सेवा कौन करेगा, क्योंकि उनके शासन को तो उन्होंने 50-60 साल तक देखा है। जनपद पंचायत में भी सोमवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे, उपाध्यक्ष जुगल बंबूरे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद डामोर की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस होली मिलन समारोह में होली पर्व से जुड़े गीत गाए गए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गईं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ हुई हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा। 29,530 परीक्षार्थियों ने हल किया संस्कृत विषय का पर्चा। पहले दिन कोई नकल प्रकरण की जानकारी नहीं। धनसुआ के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। लंबित मांग पूरी न होने से गोवारी समाज नाराज। मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर घेराव करने की दी चेतावनी। लालबर्रा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में हुई 2000 मरीजों की जांच। और भाजपा कार्यालय में हुआ होली मिलन समारोह का आयोजन। खेली गई चंदन और फूलों की होली। ऑर्केस्ट्रा की धुन पर थिरके पदाधिकारी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।